हेलो गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बोली गई है। और प्लीज़ नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक करना। और जैसे कि मैंने बोला, 3,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम एक छोटा सा गिव अवे करेंगे, जो फ्री फायर का नहीं होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है? चलो चलते हैं इस वीडियो पर। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज आपका एक गेम बोर्ड आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, ठीक है? इस वीडियो का नाम है हुज़ योर वैलेंटाइन, ठीक है? हुज़ योर वैलेंटाइन। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग का वैलेंटाइन है कौन। अगर वो गर्ल है तो उसका वैलेंटाइन कौन, अगर बॉय है तो उसका वैलेंटाइन कौन है। आप लोग ये सोचो कि होती हो कैसे मालूम कि भाई हम लोग का वैलेंटाइन कौन है। जी हाँ, आप लोगों ने सर्च करना कि मुझे कैसे मालूम, मतलब मुझे मालूम है यार। आप लोग ना 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना, ठीक है? मैं हिलूंगा ज़्यादा क्योंकि ये गेम वीडियो नहीं है, या तो रिएक्शन वीडियो नहीं तो मालूम, क्योंकि मेरे को पेन हो रहा है। आप लोग 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और नीचे जाओ, कमेंट में लिखो कि आपका वैलेंटाइन कौन है। अगर वो अगर कोई लड़का इस वीडियो को देखा तो लिखो कि मेरी वैलेंटाइन मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, बस लिखो कि गर्लफ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है, आप लोग के ऊपर चॉइस है, ठीक है? ये होने के बाद वापस से वीडियो को अनपॉज करो, ठीक है? और मैं आप लोग से एक चीज़ पूछूंगा कि वैलेंटाइंस का मतलब क्या होता है। वैलेंटाइंस का मतलब ये होता है कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट? मतलब जिससे सबसे ज्यादा प्यार करे, और सामने वाला भी हमको उतना ही सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, सही है कि नहीं? अगर सही है तो वीडियो पे लाइक ठोकना। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार, ठीक है? वैलेंटाइन हम बनाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने जो अगर गर्ल है तो अपनी हस्बैंड के साथ, गर्ल है तो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब इन इन लोग के साथ वैलेंटाइन। और मतलब भी शायद से वही है कि वैलेंटाइन मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। नहीं यार, मेरे को नहीं लगता कि वैलेंटाइन मतलब गर्लफ्रेंड होता है बॉयफ्रेंड होता है। मेरे को लगता है कि वैलेंटाइन का मतलब वो होता है जो इंसान हमको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, हम उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप लोग ये सोचो कि भाई हम लोग का वैलेंटाइंस कौन है। आप लोग का वैलेंटाइन आप लोग के ही घर में रहता है, ठीक है? आप लोग को उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग का जो वैलेंटाइन है ना, वो आप लोग के घर में रहता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बाहर जाके ढूंढते। हाँ, आप लोग का गर्लफ्रेंड आप लोग के बॉयफ्रेंड आप लोग के वैलेंटाइंस है, बट वो दूसरे नंबर पे आते हैं। अब आप लोग ये सोचो कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे जो आता है ना, वो आपके घर में है अभी भी, इस वक्त आपके आसपास ही होगा, आपसे वो इतना प्यार करता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो आपका वैलेंटाइन है। हमको ये नहीं मालूम कि वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है। वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को घुमाने लेके जाना, हस्बैंड और वाइफ को गिफ्ट देना, या जो भी है। मेरी वैलेंटाइन, या मैं बोलूँगा कि सबकी वैलेंटाइन, सब मानेंगे ये चीज़, हम लोग की माँ है। जी हाँ, हम लोग की माँ, हम लोग की माँ हमारी सबसे सबसे प्यारी वैलेंटाइन है। आप लोग ये सोचो कि मम्मी क्यों? भाई यार, वैलेंटाइन का मतलब होता है रेड, रेड हार्ट या कुछ भी। आज मैंने रेड पहना है, ऑफिस गया हुआ था, ऑफिस में भी वैलेंटाइन था, मतलब सेलिब्रेशन था। वैलेंटाइन हमारी माँ होती है, क्यों? यार, वैलेंटाइन का मतलब होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करें, और माँ हमको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, हम भी उनको उतना ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी सबकी वैलेंटाइन अपनी माँ है। हाँ, वीडियो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मुझे अभी ये आइडिया है, क्योंकि ये आइडिया मुझे आया था, मेरा एक दोस्त है जो आज हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, ठीक है? तो उसने बोला कि मैं डेट पे जाऊँ, अच्छे से टाई वाई पहना हुआ था। मैं उससे पूछा कि कौन सी गर्लफ्रेंड है भाई, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सीधा एक चीज़ बोला कि मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ डेट पर। तो उससे मेरे को एक आइडिया है कि भाई सही है यार, ये बंदा बहुत ही सही है जो अपनी माँ को डेट पे लेके जा रहा है एज अ वैलेंटाइन। हम में से कोई नहीं कहता यार, हम में से आज तक कोई नहीं किया कि अपनी माँ को लेके गए डेट पे एज अ वैलेंटाइन। कोई लेके गया? कोई नहीं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, चलो आज वैलेंटाइन ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो अभी 2-3 घंटे या 5-6 घंटे पहले अपलोड हो रही है, बट ना आप लोग से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि कल अपनी माँ को डेट पे लेके जाओ एज अ वैलेंटाइन, या उनको कुछ दो गिफ्ट एज अ वैलेंटाइन, ठीक है? यही था जो मेरा, ये था आई नो हुज़ योर वैलेंटाइन। तो ये है, हम सबकी वैलेंटाइन हमारी माँ है, ठीक है? तो प्लीज़ सभी माओ को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड सभी डैड, सभी सिस्टर्स, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स लोग को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, लीव अ लाइक डाउन बिलो।